हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बात करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर जो हमारा लेसन नंबर यूनिट नंबर फोर था द स्टोरी ऑफ अमरीका। उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देखा था कि जो जोधपुर करके राजस्थान के अंदर जो जोधपुर करके जो एक सिटी है वहाँ पर एक खेजड़ी करके गांव है, वहाँ पर जो लोग है वो ट्री और जो एनिमल है उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे एक अपना परिवार का सदस्य करके वो मानते हैं। यहाँ पर भी एक अमृता करके लड़की है, वो क्या करती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती है। तब उसके फ्रेंड कौन से हैं, तो एक ट्री है, वो ट्री को अपना फ्रेंड बनाती है और उसे जो अपने हाथों से वहाँ पर जकड़ लेती है और फिर वो उसके साथ खेलती है। या वो भी हमने देखा था। और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 27 पर जो हमें दिया है कि ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन। ललिता ने जो ललिता करके एक गर्ल है उसे ये फील हुआ कि जो ग्रास एंड स्मॉल जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं, उसके जो स्कूल की दीवार है उसके बाजू में ग्रो हो जाते हैं, कोई भी इसे उगाता नहीं है फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि हमने रास्ते में जाते हुए देखा कि रास्ते के साइड में जो एरिया होता है वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं, जैसे कि उसका सीड जो हल्का होता है वो कहीं पर भी हवा में से जाके कहीं गिरता है तो वो अपने आप वो बारिश के पानी से अपने आप ग्रो हो जाते हैं। वैसे ही जो ललिता करके गर्ल्स है जो ललिता करके गर्ल है उसकी जो दीवार स्कूल की दीवार है वहाँ पर भी ऐसे ग्रो हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग और देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन। क्या आप ऐसे कोई प्लेस को जानते हो जहाँ पर ग्रास छोटे छोटे प्लांट एंड ट्री आते हैं वो ग्रो हो जाते हैं विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, किसी कोई भी उसे उगाता नहीं है बट वो वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं, क्या ऐसा आपने आप जानते हो? तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। उसका आंसर हम लिखेंगे कि यस। अब कहा पर तो अलोंग द रोड साइड, हमने रोड साइड देखा है एंड दूसरी कहा पर इन द फील्ड ग्रास, इन द फील्ड जो खेत में ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स on their own without being planted. हाँ तो बच्चों यहां पर मैंने आंसर लिखा है कि यस, हमने देखा है along the roadside, जो रोड साइड होती है उसके साइड में जो एरिया होता है वहां पर बहुत सारी ग्रास ग्रोइंग हो जाती है एंड इन द फील्ड खेत के अंदर ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड, जो ग्रास होती है छोटी छोटी और जो प्लांट होते हैं वो कोई भी उसे उगाता नहीं है बट वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में और बुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि व्हाई डू दिस ट्रीज ग्रो हियर, ये ट्री यहां पर क्यों उगते हैं, ग्रो क्यों होते हैं, व्हाट डू यू फील, हमें क्या फील होता है। तो ये ट्री यहां पर क्यों ग्रो होते हैं, क्योंकि ये नेचर है, कहीं पर भी किसी की सीड अगर हो और हवा में जो वाइंड आता है उसके साथ पवन के साथ कहीं भी उड़ के कहीं पे जाते गिरते हैं और फिर अपने आप वहां पर ग्रो हो जाते हैं। तो यहां पर उसका आंसर हम लिखेंगे कि
Because no one planted those grass and small trees. Many grasses and plants तो यहां पर बच्चों उसका आंसर है कि बिकॉज क्योंकि नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, कोई भी ये छोटे छोटे प्लांट जो ट्री होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ग्रास होती है, उसको कोई भी वहां पर उगाता नहीं है. Many grasses and plants grow in nature on their own. जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और जो ग्रास होती है वो अपने आप वहां पर नेचर की तरफ वहां पर अपने आप वो ग्रो हो जाती है. तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक और बुक में लिख दो. नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि स्टोरी दी हुई है. अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो वही खेतड़ी गांव की है, बस स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है. तो यहाँ पर जो खेतड़ी गांव के अंदर एक राजा होता है, तो वो राजा को महल बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए होती है. तो क्या करता है वो खेतड़ी गांव के अंदर अपने कुछ जो अपने नौकर होते हैं उनको भेजता है और फिर वहाँ पर ला जो पेड़ होते हैं वो काटने के लिए बोलता है और फिर वहाँ से लकड़ियाँ लाने के लिए बोलता है. तब ये लोग जो राजा के नौकर होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं. फिर बाद में अमृता करके एक जो लेडी है, जो गर्ल है, वो भी वहाँ पर आती है. जैसे उसको पता चलता है कि ये लोग पेड़ काटने के लिए आते हैं आए हुए हैं, तब वो क्या करती है, वो अपने आम को पेड़ के जो ट्रंक है वहां पर लगा के चिपक जाती है. और फिर वो जो राजा के नौकर है वो उसे बोलते हैं कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो ये पेड़ के साथ तुम भी कट जाओगे. बट वो वहां से नहीं हटती. और फिर बाद में ये होता है कि जो गांव के बहुत सारे लोग होते हैं वो भी जैसे उनको पता चला कि वो पेड़ काटने के लिए आए तब वो भी क्या करते हैं, वो भी सारे पेड़ के साथ चिपक जाते हैं. फिर राजा के आदमी को जो राजा ने बोला था वही उनको करना था, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो सबको पेड़ के साथ काट देते हैं और सब जो इंसान थे वो सब मर जाते हैं. फिर राजा को ये बात पता चलती है तब वो बहुत नाराज होता है और जो गांव के लोगों की पेड़ और जो ट्री और जो एनिमल्स के प्रति जो दया थी उसके भाव से वो वहां पर आता है. तो यहाँ पर हम स्टोरी देखते हैं कि ट्रीज इन डेंजर के टाइम वेंट बाय, बहुत टाइम निकल गया. जैसे कि अमृता वॉज नाउ ग्रो अप, अमृता बहुत बड़ी हो गई थी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, ग्रीट यानी मिलना. एक दिन वो अपना जो ट्री था वो जो उसका फ्रेंड था उसे मिलने के लिए गई. शी सो सम स्ट्रेंजर्स देयर, स्ट्रेंजर्स मतलब अनजान लोग, उसने वहां पर कुछ अनजान लोग को आते हुए देखा. दे हैड एक्सेस विद देम, एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, उसके हाथों उन लोगों के हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने बोला कि हमें राजा ने भेजा है जो लकड़ियाँ पेड़ काटने के लिए भेजा है और उसका उसकी लकड़ियाँ होती है वो हमें चाहिए, उसी लिए राजा ने हमें भेजा है. द वुड वॉज नीडन फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, तो उन्हें जो लकड़ियाँ चाहिए थी वो क्यों चाहिए थी, तो राजा का महल बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए चाहिए थी. नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 28 पे है, अमृता बहुत शौक हो गई. She went to the tree that the men were about to cut. जो वो इंसान आए थे ट्री कट करने के लिए, वो जो ट्री कट करना चाहते थे वहां पर अमृता जाके रुक गई और फिर क्या किया, देखो
पिक्चर में हमें दिया हुआ है, उसने अपने आम है वो ट्रंक पे लगा दी है। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली। उसने क्या किया, जो अपने आम थे हाथ थे वो अराउंड द ट्री लगा दिए और फिर उसे हग कर दिया और फिर टाइटली उसे हग कर दिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर। थ्रेटेंड यानी धमकी देना, शाउटेड यानी चिल्लाना। तो वहां पर जो मैन था वो चिल्लाने लगा और उनको उसको धमकी देने लगा। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री। बट जो अमृता थी वो वहां पर लेट गो मतलब वहां से खिसकी नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। जो राजा का राजा के जो नौकर थे, राजा के जो इंसान, उसको तो राजा का जो हुक्म था वो मानना था। दे हैड टू कट द ट्री। वो ट्री को कट करने लगे। वन सीइंग दिस, ये देख के अमृता's डॉटर्स, अमृता की जो लड़कियां थी वो, एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर, बहुत सारे गांव वाले, ओल्ड एंड यंग, जो बुड्ढे थे और जो जवान थे वो भी, हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करने लगे, ट्री को हग करने लगे। अब नेक्स्ट, मैनी पीपल इंक्लूडिंग, बहुत सारे पीपल को मिला के, अमृता एंड हर डॉटर्स, अमृता और उसकी जो डॉटर थी वो, डाइड टू सेव द ट्री, ट्री को बचाने के लिए वो वहां पर मर गई। मतलब राजा के इंसानों ने क्या किया, वो जो ट्री था उसे भी काट लिया और साथ में जो इंसान चिपके हुए थे उसे भी काट लिया और वो मर गई। नेक्स्ट दिया है कि व्हेन द किंग हियर्ड ऑफ दिस, जैसे ही किंग ने ये, राजा ने ये सुना, ही कुड नॉट बिलीव दैट, वो बिलीव वो मानने नहीं लगा कि देयर पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर द ट्रीज, कि इंसानों ने ट्री के लिए अपनी जान दे दी, वो ऐसा मान नहीं रहा था। बट आगे ये हुआ कि ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, उसने जो ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, अब वो गांव की मुलाकात लेने के लिए अपने आप चला गया। There he showed the deep feeling of the villagers towards trees and animals. वहां पर उसने जो गांव लोगों के गांव के लोगों जो ट्री और एनिमल्स के प्रति कितनी दया भावना रखते थे वो वहां पर उसे दिखाई दी। क्योंकि वो लोग ने क्या किया, वो जो ट्री थे उसके साथ चिपक गए और भी साथ में वो भी कट गए। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया है कि डू यू रिमेंबर What the elders of this village used to say? क्या आप जानते हो, आपको याद है कि जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो क्या कहते थे ट्री के बारे में? तो हमने देखा था कि वो क्या कहते थे कि if trees are there, then only we can survive. अगर वहां पर ट्री है तो ही हम जी सकते हैं। तो यहां पर हम उसका आंसर लिखेंगे, used to say, यहां पर मैं लिखूंगा कि इफ ट्रीज आर देयर अगर ट्री वहां पर है तो देन ओनली वी कैन सर्वाइव, देन ओनली वी कैन सर्वाइव, वी हम जी सकते हैं। तो बच्चों ये बोला था उन लोगों ने कि they used to say, उन्होंने ये कहा था कि if trees are there, अगर वहां पर ट्री है then only we can survive, तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक और नोटबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक We could survive if there were no trees and no animals. क्या हम survive मतलब जी सकते हैं जहाँ पर कि जहाँ पर एनिमल और जो ट्री है ट्री ना हो तो? डिस्कस दिस इन योर क्लासेस, आपके क्लास के अंदर ये डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि
अगर ट्री या फिर जो एनिमल्स ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो नो विदाउट ट्रीज वी विल नॉट गेट फूड एंड फ्रेश एयर। विदाउट ट्रीज वी विल नॉट गेट द फूड एंड फ्रेश एयर। तो जो वहां पर ट्री है, तो ट्री के बदले जो पूछा है कि अगर ट्री नहीं हो तो क्या हम जी सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि ट्री एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का जो हमें ऑक्सीजन देता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, वो ऑक्सीजन हमें उसको कन्वर्ट करके हमें ऑक्सीजन देता है, तो हमारी लाइफ का मेन पार्ट तो हुआ। क्योंकि अर्थ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में जीने के लिए कौन सा गैस चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर पेड़ नहीं होगी, ट्रीज नहीं होगी, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि नो विदाउट ट्रीज, बिना ट्री के नहीं, हम बिना ट्री के विल नॉट गेट द फूड, बिना ट्री के हमें खाना नहीं मिलेगा एंड फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक और नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है द विलेज इज प्रोटेक्टेड। अब विलेज को क्या किया, प्रोटेक्ट किया गया कैसे, तो ये देखो यहां पर द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो गांव के लोगों की पेड़ के प्रति जो दया भावना थी वो राजा को बहुत इफेक्ट कर गई बहुत ही उसको सॉरी राजा को बहुत ही खुशी हुई। ही ऑर्डर देयर, उन्होंने ऑर्डर किया कि फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म इन दैट एरिया। उन्होंने ऑर्डर किया कि अभी से यहाँ पर कोई ट्री भी नहीं कटेगा और किसी भी एनिमल्स को कोई हानि भी पहुंचाएगा नहीं। हाँ मतलब नुकसान पहुंचाना, कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं। इवन टूडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पास, और अभी तक 300 ईयर्स के बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल बिश्नोई, जो ये पीपल है, ये गांव के पीपल है, ये एरिया के पीपल है, वो कौन से नाम से जाने जाते हैं, बिश्नोई करके, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें कंटिन्यू प्रोटेक्ट करते हैं, अभी तक भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। जो जोधपुर के राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के अंदर वहां पर क्या है, खिजड़ी करके गांव है, तो वहां पर ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, तो राजस्थान का एरिया कौन सा है, डेजर्ट वाला है, तो भी ये डेजर्ट वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पर क्या है, द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर। तो यहाँ पर ये एरिया गांव का एरिया और रेगिस्तान का एरिया, डेजर्ट वाला एरिया, फिर भी यहाँ पर ग्रीनरी है, वहां पर बहुत सारे पेड़ है और वहां पर जो एनिमल्स है वो बिना डर के घूमते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने स्टोरी अपनी जो बुक में दी थी वो पूरी करी, और जो क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिखवाया वो आप अपनी नोटबुक और बुक के अंदर दोनों के अंदर लिख देना। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए वो हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।